हेलो एवरीवन, तो कैसे हो, कैसे आए हो सब बच्चों के दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो के अंदर दोस्तों। तो आज का हमारा वीडियो है जो ट्रॉली के बारे में होने वाला है दोस्तों। ट्रॉली की जो हमारी पट्टी होती है दोस्तों, उसके बारे में आज का वीडियो होने वाला है। पट्टी सिस्टम और जो जो हम सीधा वेल्डिंग मार देते हैं दोस्तों, हमारे जो चेचिस को वो सक्सेस है या फिर ये वाला सक्सेस है दोस्तों, किसका मेंटेनेंस कम है किसका मेंटेनेंस ज़्यादा है, उसके बारे में आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पट्टे वाले सिस्टम के दोस्तों, तो उसमें क्या क्या मेंटेनेंस निकलता है और ये कितना सक्सेस है और इसके क्या फ़ायदे है, इसके क्या नुकसान है, तो उसके बारे में आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, ये है पट्टा सिस्टम दोस्तों, पट्टे वाले। तो देखिए दोस्तों, ये पट्टा, इसमें सेंटर बोल्ट, यू क्लैंप वगैरह वगैरह होते हैं दोस्तों, जो कि स्प्रिंग टाइप काम करते हैं। और इसमें हम ओवरलोड भरने पर भी दोस्तों ये बहुत अच्छी तरह से चल जाते हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा भी ओवरलोड नहीं भर सकते क्योंकि जो हमारा पट्टा सिस्टम होते हैं उसकी कुछ लिमिट होती है दोस्तों लोड लेने की। उसके बाद ये टूट भी जा सकते हैं दोस्तों। जो ये वाला सिंपल पट्टा होता है दोस्तों, ये मेन पट्टा इसे बोलते हैं, जो हमारे स्पिन में सेट होता है। उसके बाद वो सपोर्ट पट्टा होता है दोस्तों, और ये बाकी के पूरे हाइट करने के लिए पट्टे होते हैं। उसके साथ साथ ट्रॉली में ये ऊपर वाला सपोर्ट का भी पट्टे लगाए होते हैं ताकि इस पर ज़्यादा लोड आता है दोस्तों, तो वो फिर इस ठिया पे इसे रख कर ये सपोर्ट करता है दोस्तों। इस पर ज़्यादा ओवरलोड हम नहीं भर सकते दोस्तों, ये यहाँ पे गैप पूरा हो चुका, तो उसके बाद हम उसे लोड नहीं भर सकते, हमारा पट्टा सिस्टम है वो पूरा टूट जाएगा। पट्टे भी दोस्तों कई तरह के आते हैं, यानी कि कुछ मजबूत होते हैं तो कुछ सिंपल वाले भी आते हैं दोस्तों। ये देखिएगा, तो ये देखे दोस्तों, ये यहाँ से टूट चुका है पट्टा, ये पट्टी क्लैंप है, ये यहाँ पे आती है दोस्तों, तो ये टूट कर आगे चले गए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टूट चुका है, ये यहाँ पे देख सकते हैं लाइव, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे एक पट्टा टूट चुका है। तो ऐसे कई सारे पट्टे टूट जाते हैं दोस्तों, इसमें ओवरलोड हम नहीं भर सकते। और जो ये वाला सिस्टम होता है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म दिखाता है दोस्तों। इसमें हम ओवरलोड शुगर क्रेन जैसे ओवरलोड हम ट्रॉली में माल भर सकते हैं, उसमें ये बहुत कारगर है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं रहता, वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म दिखाता है। और उसमें ओवरलोड के लिए ही वो अच्छी तरह से, उसमें डबल टायर लगाकर भी हम अच्छे कितना भी ओवरलोड भर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। लेकिन दोस्तों जो हमारे ये पट्टा सिस्टम है, ये थोड़ा कारगर नहीं है दोस्तों, ये सिंपल हल्के वजन के लिए, लाइट वेट जो हमारे ट्रॉली का जो लिमिट है उस तक हम अगर माल भरते हैं दोस्तों, तो ये बहुत बढ़िया परफॉर्म दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ग्रीस नहीं किया, तो देखिए दोस्तों कितना इसने ये पूरी पिन टूट चुका है, ये अंदर के देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा रगड़ खाकर दोस्तों ये देखिए पिन पूरे। तो ये मेंटेनेंस निकलता ही रहता है इसमें, टाइम टू टाइम इसे ग्रीस करना पड़ता है दोस्तों। तो देखिएगा, ये दोनों साइड हो जाता है दोस्तों, वो पिन भी अंदर से पतली हो जाती है, तो उससे भी हमारे जो जो पट्टा सिस्टम है दोस्तों, उसमें मेंटेनेंस निकलता है। और हमारी ट्रॉली ओवरलोड पर चली गई दोस्तों, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा दोस्तों, ये पिन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।